नमस्कार सुधीबंद। भगवान एवं दुईटी श्लोक पूर्व श्लोक वर्णित समता तथा तो शुणापी आज्ञा दवा संगे संगे ताहार महिमा वर्णन करें। शुणा श्रीमद् भागवत गीतार द्वितीय अध्याय 49वां श्लोक। एषा ते विहेता सांख्ये बुद्धिर्योगेति वाम शृणु बुद्धियो युक्तो याया पार्थ कर्म बंधनम प्राशसी। भगवान कहुचंती इस श्लोक रे, हे पार्थ, जो समबुद्धि युक्त हो तुम्हें कर्म बंधन त्याग करदेव से ही समबुद्धि तुम्हें प्रथम। संख्या योग रे कुहागला एबे तुम्हें यह कर्म योग प्रसंग रे शुण। भगवान कहिबार तात्पर्य होउची युद्ध कले पाप लागिवो बोली अर्जुन मनरे आशंका थिला, किंतु भगवान मतरे कर्मरे विषम बुद्धि राग द्वास हेले पाप लागे, समबुद्धि हेले पाप लागे नहीं। संसार रे अनेक पाप पुण्य क्रिया होइथिले मध्य ताद्वारा आमको पाप लागे नहीं, कारण सेथरे आमर समबुद्धि रहे, अर्थात सेथरे आमर कौन सी पक्षपात आग्रह राग द्वास रहे नहीं। सेहिपरि तुम्हें समबुद्धि युक्त हेले यही कर्म मध्य तुम्हें बंधनकारक हम ना, यही कथा अर्जुन को श्री भगवान कहते। श्री भगवान 40वां श्लोक कहते, नेहा विक्रम मनोस्थिति प्रत्योवायो ना विद्यते शोलं पंपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भायते। भगवान इतने कहते, मनुष्य लोक समबुद्धि रूपक धर्म आरंभ हो गले से ही आरंभर विनाश हुए ना, यार विपरीत फल मध्य हुए ना, एवं यार स्वल्प अनुष्ठान मध्य जन्म मृत्यु रूपक महाभयरु रक्षा करे। यही समबुद्धि समता केवल आरंभ हो गले से ही आरंभर मध्य विनाश हुए ना। मनरे समता प्राप्ति करिवार लालसा बा उत्कंठा हवा ही समतार आरंभ। यही आरंभर केबे अभाव हुए नहीं, कारण सत्य वस्तुर लालसा मध्य सत्य ही होइथाय। यही मनुष्य लोकरे केवल मनुष्य ही समबुद्धि लाभ करिवार अधिकारी रहिछि। मनुष्य छड़ा अन्य समस्त भोग जोनि होइथिबारु सही जोनि मानंकर विषमता राग द्वेष नाश करिवाकु अवसर नाही, कारण भोग केवल राग द्वेष पूर्वक हुए। जदि राग द्वेष नहीं तेबे ताहा भोग होई पारिबो नहीं, बरन साधना ही हबो। एठारे मु कहि रखे, धर्म दुई प्रकार रो। गोटे आमे जहाकु कहुचु दान करिबा जल छत्र अन छत्र खोलिबा भली परोपकार कार्य करिबा, एवं द्वितीयटी हला वर्णाश्रम अनुसार निजर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म तत्परता पूर्वक पालन करिबा। एही धर्म को निष्काम भाव रे पालन कले समता रूपक धर्म स्वयत् प्राप्त हुए, कहीं समता रूपक धर्म होउची स्वयं धर्म अर्थात स्वरूप। एथिपाई एठारे समबुद्धि को धर्म कहा जाइछि। लोक मानंकर दृढ़ धारणा जे मन लागिला जाए भजन स्मरण हुए, मन न लागिले खाली राम राम कही लाभ कौन। किंतु गीता दृष्टि रे मन लागिबाटा किछि बड़ कथा नुह। गीता अनुसार रे बड़ कथा होउची समता। अन्य लक्षण आसुबा न आसु जहार समता आसीगला ताहाकु गीता सिद्ध बोली कही दिए। जहाठारे सबु लक्षण आसीथिले सुधा समता आसी नहीं गीता ताकु सिद्ध कहे नहीं। एठारे आउ गोटे कथा कही रखे, समता दुई प्रकार रो, अंतकरणर समता ओ स्वरूपर समता। समरूप परमात्मा सर्वत्व परिपूर्ण, से ही समरूप परमात्मा को ठारे जी स्थित हो गला से समग्र संसार को जीणी नेला ओ जीवन युक्त हो गला। अंतकरणर समता द्वारा ही यार परिचय मिले। सिद्धि असिद्धि रे सम रहिबा ही अंतकरणर समता। प्रशंसा हो बा निंदा हो, कार्य सफल हो बा असफल हो, लक्ष टंका मिली जाऊ बा चली जाऊ, किंतु ताद्वारा अंतकरण कौन सी अस्थिरता न आसु,
सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि न हो समता केवे नष्ट हुए नी कल्याण व्यतीत यही समता अन्य कौनसी फल नहीं मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत इत्यादि जेकोसी पुण्य कर्म करे ताहा फल दे नष्ट हो जाए किंतु साधना करी करी अंतकरण सामान्य समता निर्विकारता आसीगले ताहा केबे नष्ट हुए नहीं बरन कल्याण करी दिए एतिपाई साधना मार्गरे समता जिते श्रेष्ठ मनरे एकाग्रता सेते श्रेष्ठ नुहे मन एकाग्र हेले सिद्धि मिले पारे किंतु कल्याण हुए नहीं किंतु समता आसिले मनुष्य संसार बंधन रु सुखपूर्वक मुक्ति हो जाए यही होउचि मनीष जीवन लक्ष्य 84 लक्ष जोनि भितर अतिक्रम करी जो श्रेष्ठ जोनि मनुष्य जोनि मिली से हीतरे मुक्ति हवा ही एकमात्र जीवन लक्ष्य यही दिव्य ज्ञान श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रदान करजपाई आम एति शुणा आउ शुणा आसंता श्लोक गुड़े श्री भगवान कौन कहते जय श्री जगन्नाथ।